बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा लॉगरिथम डिफरेंशिएशन है। हम देखेंगे कि लॉग के फंक्शंस का कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहला तो ये है कि हमारा ln होगा, मिसाल के तौर पर हमें ये कहा जा रहा है कि डिफरेंशिएट ln x विथ रेस्पेक्ट x। ln x को x के लिहाज से डिफरेंशिएट करना है, तो सबसे पहले मैं ऐसे लिखूँ y इज इक्वल टू ln x। अब आपको पता है ln का मकसद होता है log e बेस का टू x। अगर इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ e पावर y इज इक्वल टू x। अब इसको डिफरेंशिएट करूँगा विथ रेस्पेक्ट x, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट x, तो ये हो जाएगा e पावर y का e पावर y होगा इंटू y का डेरिवेट होगा dy वाई बाय x का डेरिवेट होता है 1। तो dy by dx जो आ जाएगा, हमें dy by dx की वैल्यू चाहिए, तो dy by dx आ जाएगा 1 upon e power y। अब e power y देखिए क्या होता है, x होता है, तो मैं लिख सकता हूं कि dy by dx is equal to 1 upon x। इसका मकसद ये है कि dy by dx of ln x हमेशा 1 upon x होता है। यानी ये तो बेसिक हुआ। अब अगर कोई ln का कोई फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, देखें। अगर d बाई डी एक्स इस तरह लिया गया, d बाई डी एक्स ln ऑफ f ऑफ x, तो इसका डेरिवेटिव जो होता है, जो ln का पहले ln का होता है 1 अपॉन जो भी फंक्शन f x इंटू डेरिवेटिव f डैश x। मिसाल के तौर पर आपको ये कहा जा रहा है कि डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट x, डिफरेंशियल रेस्पेक्ट x, डिफरेंशियल लिखता हूँ, डिफरेंशियल ln x स्क्वायर प्लस 2 विथ रेस्पेक्ट x। तो सबसे पहले y इज इक्वल ऐसे लिखूँ, y इज इक्वल ln x स्क्वायर प्लस 2। अब डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट x, तो y का हो जाएगा 1 अपॉन y, सॉरी y का dy बाई dx होता है, y का डेरिवेटिव होगा dy बाई dx, ln का होगा 1 अपॉन वही एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू इसका डेरिवेटिव। तो मैं स्टेप में करूँ तो डी बाई डी एक्स लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डेरिवेटिव होगा 2x, तो जो होके ये होगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। आप चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर आपको ये दिया जाए कि सपोज आपको कहते हैं कि डिफरेंशिएट ln एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर द रूट। इसको दो तरीकों से कर सकते हैं आप। एक तो इस तरीके से करेंगे, लेट y इज इक्वल टू ln एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर द रूट, तो इसका dy बाई dx होगा, ln का हमेशा क्या होता है 1 अपॉन ln का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट इंटू डेरीवेट इसका एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट का, वो हो जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू फिर डेरीवेट होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, जो कि 2x होगा, तो 2 में कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 रूट इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 रूट, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आ जाएगा आंसर। या अगर इसको आप इस तरीके से करना चाहें तो इस तरह कर सकते हैं, लेट y इज इक्वल टू ये ln एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर द रूट, तो आप इसको ऐसे लिखें, पहले y इज इक्वल टू ln एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर हाफ, हाफ पावर आगे आ जाएगी, y इज इक्वल 1 अपॉन 2 ln, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब डेरिवेट ले लें dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये 1 अपॉन 2 तो आएगा ही आएगा, इंटू ln एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव होगा 2x, 2 में कैंसिल, तो यह आ जाएगा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस तरीके से मिसाल के तौर आपको ये कहा जा रहा है कि डिफ्रेंशिएट ln sec x विथ रेस्पेक्ट टू x, तो इसका मैं कैसे करूँगा, इसका लूंगा लेट y इज इक्वल टू ln sec x, ln sec x, तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा, ln का होता है 1 अपॉन sec x इंटू sec x का डेरिवेटिव होगा sec x tangent x, sec x sec x में कैंसिल, तो इसका आंसर आ जाएगा tangent x। इसी तरीके से आपको ये कह दिया जाए सपोज कि डिफरेंशिएट ln सपोज ln sin x,
एल एन साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है तो कैसे करूंगा मैं, लेट करूंगा लेट वाई इज इक्वल टू एल एन साइन एक्स, साइन एक्स उसका एल एन है तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, एल एन का होता है वन अपान साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिएट होगा माइनस कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट एक्स, तो एल एन साइन एक्स का डेरिएटिव माइनस कॉट एक्स होगा। इसी तरीके से मुश्किल से मुश्किल चीज़ मिसाल में दी जा रही है इस तरह कि आप इसको डेरिएट ले लो कि आप डिफ्रेंशिएट देखें लागत हम का इस्तेमाल करके हम आराम से भी कर सकते हैं डिफ्रेंशिएट ये एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन अंडर रूट, तो इसको मैं लागत हम का इस्तेमाल करके कर सकता हूँ, लेट वाई करके करूँ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन अंडर रूट, तो ये मैं इसको ऐसे लिखता हूँ वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन का पावर हाफ और अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन का पावर हाफ, तो ये हो जाएगा लागत हम अप्लाई कर दूँ तो एल एन वाई ये हो जाएगा एल एन एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर हाफ अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर हाफ। तो अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा, देखिए इसको इजी तरीके से सिंप्लीफाई किया जा रहा है। अब आप ये करेंगे कि ये एल एन वाई वही होगा, ये हो जाएगा एल एन एक्स स्क्वायर प्लस वन का हाफ माइनस एल एन एक्स स्क्वायर माइनस वन का पावर हाफ, हाफ आगे चला जाएगा ये हो जाएगा एल एन वाई वन अपॉन टू एल एन एक्स स्क्वायर प्लस वन और माइनस हाफ और एल एन एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब डिफ्रेंशिएट करें विथ रेस्पेक्ट एक्स, तो एल एन वाई का होगा वन अपॉन वाई इंटू वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा वन अपॉन टू इंटू एल एन का होगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू टू एक्स माइनस ये वन अपॉन टू और ये एक्स स्क्वायर माइनस वन वही होगा इंटू टू एक्स, ये टू टू में कैंसिल ये टू टू में कैंसिल, तो ये हो जाएगा वन अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये आप एल सी एम ले लें एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन एल सी एम, ये एक्स इसको मल्टीप्लाई करेगा एक्स स्क्वायर माइनस वन को माइनस एक्स करेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन को, ये हो जाएगा वन अपॉन वाई थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन हो गया डी वाई बाई डी एक्स ये हो जाएगा एक्स क्यूब्ड माइनस एक्स क्यूब्ड माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन। देखिए इधर एल एन वाई का जब डिफ्रेंशिएट किया तो एल एन वाई का होगा वन अपॉन वाई इंटू वाई का डी वाई बाई एक्स, ये स्टेप आपको नोट करने वाला है। अच्छा अब आप देखिए मुझे तो सिर्फ एक्स क्यूब में कट जाएगा ये माइनस टू एक्स, तो मुझे तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा वाई इधर आ जाएगा वाई इंटू माइनस टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब आप y की वैल्यू लिखते हैं जो y की वैल्यू ओरिजिनल वे y की वैल्यू देखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वन अंडर रूट अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन अंडर रूट, तो आप अगर ये लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि dy by dx इज इक्वल टू हो जाएगा y की एक्स स्क्वायर प्लस वन अंडर द रूट या पावर हाफ अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर हाफ इंटू माइनस टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन। अच्छा अब आप ये देखिए तो ये हो जाएगा माइनस टू एक्स और अपॉन ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर हो जाएगी थ्री अपॉन टू ये पावर वन और वन अपॉन टू थ्री अपॉन टू और ये एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर हो जाएगी वन माइनस वन अपॉन टू नीचे आ जाएगा ये हो जाएगी वन अपॉन टू, तो ये आंसर हुआ। आप और तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से हम लागत हम के क्वेश्चन से ना चीज़ें ईजी कर सकते हैं।